ज्ञानवापी मामले में जो शिवलिंग मिला है उसकी कार्बन डेटिंग या फिर अन्य वैज्ञानिक विधि द्वारा कैसे जांच कराई जाए, इसे लेकर आज फैसला आने वाला है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी, आज जो फैसला आने वाला है उसे लेकर उम्मीद की? देखिए, आज हमें विश्वास है कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। एक भ्रम जो फैलाया गया कार्बन डेटिंग, और स्थिति ये हो गई है कि उस प्रार्थना पत्र का नाम ही कार्बन डेटिंग पड़ गया। आप नंबर की जगह केवल कार्बन डेटिंग की बात करिए, देखिए वो प्रार्थना पत्र आपके सामने न्यायालय में आ जाएगा। तो ये जो भ्रम फैलाया गया है कि शिवलिंग को जो है कार्बन डेटिंग के माध्यम से क्षतिग्रस्त करने का जो है भ्रम फैला रहा है, कौन तमाम लोग हैं भाई, अब सब जग जाहिर है, अपने भी लोग हैं और तमाम मुस्लिम पक्ष भी है, वो कार्बन डेटिंग के नाम पे, जबकि हम लोगों ने कार्बन डेटिंग की मांग तो की ही नहीं। हम लोगों ने कहा कोई भी वैज्ञानिक विधि जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हो, जिसके जो जिस वजह से उस शिवलिंग को कहीं से क्षतिग्रस्त न हो, वो शिवलिंग कहीं से नुकसान न पहुंचे, ऐसा हम लोगों ने माना कि मांग किया कि एसआई से आप जो है विशेषज्ञों से जांच करवाएं, ताकि शिवलिंग को बिना छुए बिना जो है नुकसान पहुंचाए जो है उसकी जांच हो जाए कि ये फव्वारा है कि जो है ये शिवलिंग है। इसलिए हम लोगों ने ये मांग किया था। उसमें चूंकि माहौल बनाया गया कि जो है ये शिवलिंग को तोड़ने की बात कर रहे हैं, शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय मान रहा है कि वो शिवलिंग है, या फिर हिंदू समुदाय का जो दूसरा धड़ा है वही इसका विरोध कर रहा है, इसके पीछे क्या है? सुभाष जी, ये चीज़ें जो पब्लिक है, जो हम हैं, आप हैं, ये सब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, सारा देश समझ रहा है, और कौन विरोध में है, कौन पक्ष में है, कौन नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, ये सारे लोग समझ रहे हैं। क्योंकि इस पर बहुत टिप्पणी हम लोगों का करना देखिए उचित नहीं है। हम लोगों का मानना है कि जो हमारे आराध्य हैं बिना क्षतिग्रस्त हुए, बिना उस आस्था को चोट पहुंचाए, बिना छुए जो है एक ऐसी वैज्ञानिक विधि, तमाम विधियाँ हैं, एसआई इसको बता सकता है कि कौन सी विधि सबसे बढ़िया होगी, और तमाम विधियाँ हैं, उसमें कार्बन डेटिंग शिवलिंग की नहीं, शिवलिंग के जो नीचे अर्घा है हम लोग उससे जांच करा सकते हैं, कार्बन डेटिंग से ही उसकी जांच होगी। लेकिन माहौल जो बनाया गया कि जो है कार्बन डेटिंग की ये मांग कर रहे हैं, तो ये माहौल बनाने वाले लोग बना रहे हैं। हम लोगों ने न्यायालय में, और न्यायालय पूरी तरह से सुनवाई हुई, न्यायालय भी हमें लगता है कि संतुष्ट है, और हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय आज जो है फैसला हमारे पक्ष में ही करेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। अगर पक्ष में करता है तो अगली रणनीति क्या हो? अब अगली रणनीति है भाई, न्यायालय फिर कमीशन गठित करेगी जिसमें एसआई के वैज्ञानिक भी रहेंगे उस टीम में, वो फिर जो है जांच होगी, जांच होने के बाद जो है एक नई कमीशन हमारे ख्याल से गठन न्यायालय करेगा, उसमें जो फिर नया सर्वे होगा जिसमें शिवलिंग को जांचा परखा जाएगा कि इसकी आयु कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ये कितना वर्ष पुराना है। ये टर्निंग पॉइंट जो आज होने जा रहा है, अगर न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में आया तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, जहाँ ये जो भ्रम जो है शिवलिंग और फव्वारे का जो देश में एक भ्रम है, वो भ्रम मिथक टूटेगा और शिवलिंग है ये निश्चित हो जाएगा, और उसके बाद सारा विवाद शिवलिंग और मस्जिद और फव्वारे का सारा खेल जो है ख़त्म हो जाएगा। हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा निर्णय जो आज आने वाला है न्यायालय की तरफ से, बड़ा निर्णय है, और इस निर्णय का सबको इंतज़ार है। हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता हैं उनका ये कहना है कि निश्चित तौर पे ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा, और अगर पक्ष में फैसला आता है, हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला आता है, तो आने वाले दिनों में एक और सर्वे की ओर कदम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब देखना यह है कि जिला अदालत इस मामले को लेकर फैसला किसके हक में सुनाती है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।